पिछले दो दिन पूर्व खरगोन के एक पत्रकार के खिलाफ खंडवा में हुई एफआईआर के खिलाफ खरगोन के पत्रकारों ने मोर्चा खोला है। पत्रकारों ने नाराजगी दर्शाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भले ही सरकार पत्रकार हितैषी होने का दावा करती रहे, किंतु इसके विपरीत मध्य प्रदेश में पत्रकारों के अधिकारों के हनन एवं उन पर हो रही प्रताड़ना के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। पिछले दो दिनों पूर्व इसी तरह के एक कार्य को अंजाम देते हुए खंडवा के कॉलोनी निर्माता रितेश गोयल ने खरगोन के पत्रकार वारिश खान के खिलाफ षड्यंत्र पूर्ण साजिश करते हुए खंडवा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले में उक्त कॉलोनाइजर ने पत्रकार वारिस खान पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। वारिस खान विगत 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन पर की गई एफआईआर के खिलाफ खरगोन के पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। पत्रकारों ने सौंपे ज्ञापन में उक्त कॉलोनाइजर पर सख्त कार्यवाही करने व मामले की निष्पक्ष जांच और पत्रकार पर हुई एफआईआर को निरस्त किए जाने की मांग की है, तथा पत्रकारों का कहना है कि इस तरह की एफआईआर से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और पत्रकारिता जैसे जनहितार्थ पेशे को हानि पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। कई उसमें कई अनियमितताएं थी, अनियमितता की जांच और शिकायत की थी उन्होंने। शिकायत के बाद में जो है उन्होंने नाराज होकर द्वेषपूर्ण कहिए या ये कही कि बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवाई। हम लोगों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन जो है पत्रकारों के लिए हित की बात करती है। मध्य प्रदेश शासन कहता है कि पत्रकारों के हित के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों के हित से दूर हटती जा रही सरकार। प्रशासन ने जो काम किया है, एफआईआर दर्ज की है, सबसे पहले सामने हमारे जो सही हमारे मित्र जो हैं उनका भी पक्ष लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, और ये जो एफआईआर की है तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरीके से पत्रकारों को दबा करके कॉलोनाइजर हो या भूमाफिया हो या जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं डरा धमकाने की कोशिश करते हैं और इस तरह के एफआईआर दर्ज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जाँच हो, और इसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। क्या नाम लिखते हो आप? दिनेश दसवन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।